हेलो गाइस, हम आ चुके हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आपको हम एक चीज़ दिखाने के लिए आए हैं जो आगरा में स्थित है। आप जानते हैं आगरा में कई नई ऐसी चीज़ें हैं जो कई लोगों ने देखी हैं, कई लोगों ने नहीं देखी हैं। तो उसी में से एक जगह ऐसी है जो कि द ग्रेट अकबर बादशाह यानी कि जलालुद्दीन मोहब्बर अकबर ने, अकबर का मकबरा है यानी कि इसका नाम है सिकंदरा। तो हम आपको एक झलक दिखा देती हैं कैमरा में। ये देखिए गाइस, ये है सिकंदरा, ये अकबर का मकबरा है और ये बहुत ही सुंदर है अंदर से भी और बाहर से भी। हम आपको अभी दिखाने वाले हैं, पूरी जानकारी देंगे और इस ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप ना करें और देखते रहें इस ब्लॉग को। हम आपको दिखाते हैं, आइए अंदर चलते हैं। तो देखिए गाइस, इसके पीछे सलामी गेट है, हम आपको दिखाते हैं अंदर से। चलिए अंदर चलते हैं, आइए। तो गाइस, ये है सिकंदरे का सबसे पहला पार्ट, देख सकते हैं आप। इसमें आप आवाज़ भी करोगे ना तो गूंजेगी। देखिए, हेलो, देख रहे हो गाइस, हेलो। ये देखिए, चलिए और अंदर चलते हैं और एक्सप्लेन करके बताते हैं आपको। ये देखिए गाइस, पोजीशन देखिए और वो देखिए, व्यू के मज़े लीजिए आप। दिखाते हैं आपको, ये देखिए गार्डन देखिए कितना बड़ा है, सामने की पोजीशन देखो, सामने की कितनी अच्छी है गाइस। सब अपने कपल्स को लेके आए, किसी को मैं जानता हूँ, कुछ को नहीं जानता हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसी जगह है कि आते ही अटकता है, वाह। तो गाइस, मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे कि कोई भी इमारत बनती है या कोई भी घर बनता है ना, और जैसे भी कोई ऐतिहासिक चीज़ बनती है तो उसकी जो नींव रखी जाती है, जो आपने नींव जानते होंगे, नींव क्या होती है, जो नींव रखी जाती है वो खुद अकबर ने रखी थी। अकबर चाहते थे कि ये जो मेरा मकबरा है वो मेरे नाम से जाना जाए। लेकिन क्या हुआ कि उनकी कुछ समय नींव रखते ही कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर इसका निर्माण है ना, उनकी मृत्यु के बाद जहांगीर ने करवाया था, लेकिन वो कैसे कि उनकी मृत्यु हो गई नींव रखते ही। तो उन्होंने 1605 से लेकर 1613 ईस्वी तक इसका निर्माण चला था। इनका निर्माण जो है फिर जहांगीर ने करवाया था 1605 ईस्वी से लेकर 1613 ईस्वी। थोड़ा सा कार्ड दे दीजिए और आप आगे आइए तो आपको दिखाते हैं और अंदर चलते हैं। अंदर बताएं आपको क्या है, नहीं पता तो मैं अंदर बता देता हूँ। अंदर है अकबर की जो भी डेड बॉडी थी वो है, यानी कि उन्होंने नींव रखी थी ना, तो उन्होंने यही कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे यहीं दफनाया जाए। तो यहीं दफनाया गया था। उसकी कब्र पता नहीं है तो सही, लेकिन उसको हम अंदर से दिखाएंगे और आपको दिख जाए तो, क्योंकि अंदर फ़ोन वगैरह ले जाने नहीं देते। अगर ले जाने दिया गया तो हम आपको फ़ोन दिखाएंगे, नहीं तो जब तक आप ब्लॉक और आपको इसकी पूरी जानकारी लेनी है फिर हमारे ब्लॉग में। तो आपको गाइस, मैंने वो चीज़ दिखाई थी, आप एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। अंदर एक रहस्यमय चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया था, इसकी नींव भी किसी ने रखी थी, अकबर ने रखी थी। क्यों? उसे पता था कि मेरे नाम से रहा है, मेरे मकबरे के नाम से रहा है और ये सिकंदरा है, इसीलिए आपको अंदर से दिखाने। अंदर का है, अंदर एक चीज़ है जो अकबर मर गए थे ना तो उनकी कब्र अंदर रखी। तो हम आपको सीधा अंदर से दिखाएंगे, अंदर से मैं बता दूँ कैसे, क्योंकि अंदर जाने नहीं देते हैं पहले तो, और फोन लेके जाने देंगे लेकिन वीडियो नहीं बनाने देंगे। मैंने कई बार ट्राई किया है, मैं आया हूँ तो, लेकिन आज ब्लॉग पहली बार बना रहा हूँ इससे सिकंदरे में। तो मैं आपको पहली बार बता दूँ कि अंदर गए फोन लेके और बन गई वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि हमने अंदर से मना लिया है, ठीक है। तो चलिए आपको हम अंदर से दिखाते हैं, आइए। अंदर गार्ड बैठा है, देख के ध्यान से, ठीक है, आइए। तो भाई हमने एक जुगाड़ लगाया, जो भी अंदर दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे बाहर उतार दूँ, बाहर सामने
वो बाहर इनके कमरे हैं ना। एक बार की कवर है बातें मारो क्या झूमर से आपको हमने दिखा दिया है और आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो फिर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो आप करें शेयर करें और कमेंट करें आप बताएं सबको कि हम अच्छे अच्छे ब्लॉग लाते हैं और दिखाते हैं। और जो जो आपको सिकंदरा दिखाया है बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पे कपल्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए ऐसे, क्योंकि यहाँ पे अखबार की खबर है, आपने अंदर देख ली थी क्योंकि गार्ड खड़े थे इसीलिए उनकी वजह से हमने पूरा दिखा नहीं पाया। वैसे बहुत सी सारी ऐसी पोजिशन है आपको दिखाते हैं, देखिए उधर आइए। और एक बात मैं बता दूँ आपको कि ये जो सिकंदरा है ना, ये सिकंदरा नष्ट हो गया था पूरा। यानी आप इतना कैसे मैं बता दूँ नष्ट कैसे हो गया था, जब औरंगजेब थे ना और औरंगजेब थे तो उनके बीच में लड़ाई हुई थी, यानी वॉर हुई थी औरंगजेब और उनका क्या नाम था मैं बता दूँ आपको, उनका नाम था जो औरंगजेब और उनके बीच में लड़ाई हुई थी राजा राम जाट, समझ गए रामा वो राम वो अच्छा था राम जाट, हाँ राजा राम जाट और जो औरंगजेब थे उनके बीच में वॉर हुई थी तो उसके दौरान ये टूट चुका था। फिर औरंगजेब वॉर जीत गए यानी कि लड़ाई जीत गए उनके सैनिक औरंगजेब ने इसका निर्माण खड़ा करवाया यानी कि दोबारा से करवाया। और ये देख सकते हो आप बहुत ही खूबसूरत हुआ। और यहाँ जानवर देखिए, ये देखिए कई सारे देखिए हिरन वगैरह है आप देख सकते हैं, आपको दिख रहे हैं इतनी दूर से, हम नीचे जा नहीं सकते हैं, कोई नीचे जाना बनाया नहीं तो आपको आप नीचे से दिखा देते, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं देखिए नीचे जाते तो चले जाते हैं, लेकिन जब जैसे गाई वो पास तो है जाते तो हम चाह सकते हैं ठीक है। लेकिन एक बात तो अच्छी है कि जब वो वॉर हुई थी और ये टूट गया था तो शायद ही कुछ लोगों को पता होगा या कुछ ब्लॉगर्स को पता होगा है ना, तो जो जानकारी हमने दी है तो आपको मैं बता दूं कि निर्माण ही बहुत खूबसूरत हुआ है माशाल्लाह, बिल्कुल ही अच्छा स्ट्रक्चर है इसका, खूबसूरती भी ऐसी है कि मुँह से आते ही क्या वाह निकल जाता, गेट पर ही वाह निकल जाता है गेट पर ही वाह क्या चीज़ है। तो आपको थोड़ा सा और दिखा देते हैं, एक इसका गेट और है वहाँ पे मेरे फ्रेंड घूम रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं वो, तो आपको दिखा देता हूँ ये सारी जगह हैं, एक सी जगह है कमरे वगैरह ऐसे कमरे नहीं है ऐसे ही है यानी कि जो खेल सकते थे या आपको मैं बताते, जैसे कि मैंने एक पार्ट में बताया था आपको उसमें जो आपने पहला ब्लॉग नहीं देखा है जो लाल किले वाला है उसमें मैंने बताया था दूसरे पार्ट में कि यहाँ पे कान लाओगे तो यहाँ सुनाई पड़ेगा, ऐसे ही इसका चक्कर है, अगर यहाँ एक कोने पे कान लाओगे दूसरे कोने पे आपको सुनाई देगा, ऐसा ही इसका चक्कर है ठीक है। तो देखिए सारे गेट एक से है बिल्कुल, ये भी वो भी और जी देखिए ये गाइस आप चौंक है ना, आपको और पास से दिखा देते हैं हम जूम करके या पास से जाके, आप चौंक है ना क्योंकि ये जो गेट है ना आप समझ रहे हो ये गेट नहीं है, इसके अंदर ही है सिकंदरे के अंदर, गेट तो उधर है बाहर
लेकिन इसका भी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हो बच्चे वगैरह सब खेल रहे हैं। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहें, गाई ओपी ब्लॉग में, और आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलते हैं आगरा की तरफ से, यानी कि वो भी ब्लॉगर है जो भी आता है आगरा बनाता है, इनको इनको इतिहास वगैरह कुछ पता नहीं है, वो बना तो देते हैं, लेकिन मैं बता दूं हम जानकारी लेके तब आपको दिखाते हैं और बताते हैं। और आपको ब्लॉग अच्छे लगते हों तो सबको बताएं अपनी कंट्री में अपने दोस्तों को, और आपको ये ब्लॉग देखने के लिए मिल जाते हैं, आपको पता ही है कब मिलते हैं, कितने टाइम बाद मिलते हैं, और आप अच्छे अच्छे लगते हो ब्लॉग तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। गाइस हमें भी आगे बढ़ाएं जैसे आपने और भी ब्लॉगर्स को बढ़ाया है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, जाते हैं बनाते हैं आपको दिखाते हैं, ऐसे ही आप भी हमें भी सपोर्ट करें जैसे औरों को सपोर्ट किया है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी ब्लॉग बनाया करूँ, और जो भी ब्लॉग बनाया करूँ तो आपके पास तुरंत आया करें नोटिफिकेशन, और आप तो देख लिया करें मेरा। वहाँ से यहाँ आ चुके हैं और आपको कांच महल दिखाते हैं। कांच महल में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, शायद मैं कहना तो नहीं चाहता, जो देखने लायक है, उसका नाम सिर्फ कांच महल रख दिया गया है, वो कांच महल नहीं। आपको छोटी जगह दिखाए थे, ये देखिए, ये है कांच महल, आप इसमें देख सकते हैं, कांच जैसी कुछ भी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ देखने में तो सुंदर है, प्रिटी है बहुत, यानी आप देखेंगे तो वही सिकंदरे को देखते ही ऐसे निकलेगा। ये भी वो सिकंदरे का एक पार्ट है जिसका नाम कांच महल है, और इसके बाद यहाँ से आप सीधा देखेंगे नहीं तो आपको सीधे एक पोजीशन दिखेगी, उसका नाम है लोदी महल, ठीक है। ये आपको कांच महल का वो कुछ दिखा देता हूँ, नोटिस वगैरह लगा हुआ है आप देख सकते हो, ये चलिए आपको और आज ये कांच महल अंदर से दिखा देते हैं। और जो आप सामने गेट के उधर देख रहे हैं ना, वो सीधा लोदी महल है, मोदी नहीं, समझना गाइस, मोदी नहीं है, लोदी, लोदी महल है, लोदी। ये देखिए स्ट्रक्चर देखिए इसका, ये भी ये वो चीज़ें हैं यहाँ पे जो हीरे जवाहरात थे वो लगे रहते थे, ये वो खांचे हैं, ये इसका गेट है कुछ ऐसा है, देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, इसमें कांच ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं, मैं बता दूँ इसका क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि वॉर हुई थी, तो उन वॉर में है ना ये भी नष्ट हो गया था, तो पहले था ये शायद कांच का, शायद था ही पहले कांच का, लेकिन अब नहीं है, अब ये ऐसे बना दिया है मिट्टी वगैरह का, पत्थर होगा तो, लेकिन इसका नाम भी उसी के नाम पर रखे कांच महल। तो आपको आप लोधी महल की थोड़ी झलक दिखाए थे, और लोधी महल आपको अंदर से दिखा देती थोड़ा बहुत, लोधी महल के बाद फिर हम इस ब्लॉग का एंड कर देंगे गाइस। और आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको अच्छे से ब्लॉगों की नोटिफिकेशन ऊपर ही मिल जाए, और आप देख सकते हैं ठीक है। और पास आते हुए हम लोधी महल, मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन मैं बता दूँ देखने में कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि ये हमारा इतिहास है ना, और आप तो जानते ही हैं अकबर, जलालुद्दीन अकबर द ग्रेट, जलालुद्दीन अकबर तो भारत का सबसे 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 खतरनाक बादशाह, यानी कि महान बादशाह, इसे मत डालिए भी, यानी कि मैं आपको बता दूँ जो हमारे देश का जो राजा था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, यानी कि सीधा मैं बता दूँ अकबर, वो एक ही महान, यानी कहने का मतलब ये है वो महान बादशाह था, ठीक है। ये देखिए लोधी महल है, लेकिन फिर भी देखने में अच्छा है गाइस, देख सकते हैं बाहर से देख लीजिए, चलिए पहले के ज़माने में बहुत अच्छी होगा थे, लेकिन आपको ये ऐसे ही होगा वगैरह भाई, इसका नाम रख दिया गया लोधी महल, वैसे तो है तो लेकिन पता नहीं कैसे पहले हुआ था, पहले अच्छी अच्छी जगह ये ना तो मतलब अच्छा लगता था आने में,
अब तो पता नहीं कहाँ से जाऊँगा और कहाँ से निकलोगे। कैसे अभी बोल बोले क्या ये देखिए ये फरारी चौकी हमारे देश में फरारी यानी कि हमारे सिकंदरा के बिल्कुल सामने फरारी। गाइस अब तो लाइक बनता है। चलिए और दिखाएं। आओ चले गए ये देखिए गेट लग रहा है। आइए जब आप इस जगह पे आए तो भी आप बस देखें ऐसे भी कोई जगह पे ना जाएं जिससे कि नेचर को नुकसान हो या फिर आपको नुकसान हो या फिर जो भी गार्ड वगैरह तैनात होते हैं उनको नुकसान हो, क्योंकि वो अपनी जॉब करते हैं और आप भी कहीं बाहर से चीज़ें देखने आते हैं। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और उनकी भी हेल्थ का ख्याल रखें। तो गाइस मैंने आपको पूरा ब्लॉग दिखा दिया है बना के, आपने इस पूरा सिकंदरा देख लिया, कांच महल, लोधी महल और सिकंदरा जो भी चीज़ थी। और आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सबको बताएं कि हम कितने अच्छे ब्लॉग लाते हैं आगरा के बारे में, आगरा के बारे में जानकारी आपको देते हैं। ठीक है, तो इस ब्लॉग का मैं एंड यहीं करता हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर गाइस।